हेलो गाइस, माय विलेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो लिपस्टिक ना जब ख़त्म हो जाती है तो आप लोग ना इसका कैप आराम से फेंक देते हो, क्योंकि इसका ज़रूरत किसी को ही नहीं पड़ता है। इसका यूज़ हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका जो लिपस्टिक होती है ना, इसको हम इस तरह निकाल लेंगे, जब इसका एक्सपायरी हो जाता है ना तब ऐसा ही हमें करना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा कागज़ लगा देंगे ताकि ये अच्छे से ढक हो जाए। बाकी आपके घर की जो सुइयां हैं ना, इसको इस तरह आप ढक करके रख सकते हैं। इससे ना आपकी सुइयां आराम से मिल जाएंगी और सेफ भी रखी रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, आता है कोकोनट ऑयल की तरफ। इस समय ना सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये जम जाता है, तो इसको हम अच्छे से पिघलाने के लिए फिर से ना नया एक बहुत इजी तरीका है कि आप ना 2 मिनट इसे गर्म पानी में रख दीजिए, और इसके बाद में ना इसका जो ऑयल है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे आप यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है, और कम से कम टाइम में हमारा बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो हमारे घर पर ना कंघा टूट जाता है ना, उसका यूज़ हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो रेज़र आपके यहाँ ख़राब हो गई ना, उसको अच्छे से आप धुल लीजिए और फिर इस तरह आप रख दीजिए लाइन से, और इसका ना टेप को हल्का सा आपको लाइनिंग में चिपका देना है। अभी हमारा चाकू का सेम काम करेगा बहुत अच्छा। इसमें जब आपके पालक वगैरह या आप धनिया वगैरह काटते हैं ना, मिर्च वगैरह, बहुत अच्छे से कटता है और कम से कम टाइम में कटता है। मतलब इसका ना चाकू से बेटर अच्छा काम करता है ये, और ये ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी ना ये चाकू बन चुकी है। इसमें आप ना बच्चों के पेपर्स वगैरह चढ़ा सकते हैं, जो पोलोथीन वगैरह है, कुछ भी आप कट करना चाहें ना, बहुत आराम से कट हो जाता है। मतलब इतना अच्छा ये ट्रिक है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर आप उंगलियों से काम करते हैं ना रेज़र का, तो अधिकतर हाथों में लग जाती है। आपको रेज़र का ना इस तरह लगाना है, और अब फिर इसके बाद ना टेप चिपका देना है, ताकि जब आप बच्चों का ना कवर वगैरह चढ़ाते हैं ना कॉपी पे, इससे ना आप कट कर सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब आपका जो यूज़ रेजर का है ना, बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक आती है कोलगेट पे। जब कोलगेट इस तरह का ना खाली हो जाता है, फिर हम इसका ऐसे ही फेंक देते हैं। इसमें बहुत सारा मंजन होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। आपको कंघे को इस तरह 2 बार करना है, और जितना इसका कोलगेट में मंजन होगा ना, वो साइड में आ जाएगा और फिर से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट में से एक है। जब इस तरह की चूड़ियाँ होती है ना, इसका कलर बहुत जल्दी चला जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 साल तक इसको कैसे यूज़ करें इसका, ताकि ये कलर सेम रहे और बहुत ही अच्छा रहे। तो आपको इस तरह का लेना है टेप, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेना, मतलब इतना कि जितना आप इसको एक गोल दे सकते हैं। तो मैंने अभी एक गोल मेरे हिसाब से निकल चुका था। फिर आपको ना चूड़ियों को इस तरह साइड में लगाना है, और फिर इस तरह राउंड में, मतलब गोल की तरफ घुमाना है, और फिर आप ना इसको चाकू की मदद से थोड़ा सा कट कर दीजिए। इससे क्या है ना, चूड़ी आप बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हो। मैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ। फिर आपको टेप को ना थोड़ा सा अंदर ट्विस्ट करना है, ताकि आपकी ना चूड़ियाँ बहुत अच्छे से ढक हो जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं ये चूड़ियाँ, इसमें इस तरह कभी कलर इसका नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। सो गाइस, अभी तक आपने किस सिटी से वीडियो को वॉच किया, सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक आती है ना पत्ता गोभी पे, जो मेरी फेवरेट में से एक है। पत्ता गोभी आपको भी अगर काटना झंझट लगता है, तो सेम इस तरह कट कीजिए। आपको ना चाकू को बीच में कट करना है एक, और फिर से 2 बार कट कर लेना है। अगर आप छोटा पत्ता गोभी कट कर रहे हैं, तो बीच में एक ट्रिक और लगा दीजिए, मतलब एक बार और आप कट कर दीजिए। अगर आपको छोटा कट करना है, तो आप 2-3 बार कट कर सकते हैं, और इस तरह आप पत्ता गोभी कट कीजिए, बहुत जल्दी कट हो जाता है। सो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।